हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी अल्कोहल सीरीज के पार्ट 4 में। आज हम बात करने वाले हैं वोडका के बारे में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चार बोतल वोडका का मेरा रोज का, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। कोई भी आदमी चार बोतल वोडका नहीं पी सकता, प्लीज। और मैं तो बिल्कुल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वोडका क्या होती है, वोडका के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मार्केट में कौन कौन सी वोडकास सबसे बड़ी हिट है, और हम उनको ट्राई भी करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। जनरली वोडकास जो होती है वो टेस्टलेस, ओडरलेस, यानी कि उनमें कोई स्मेल नहीं होती और वो स्मूथ होती हैं। हालांकि मैं सस्ती वोडका के बारे में नहीं कमेंट करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अगर आप कंपेयर करोगे एक महंगी वोडका से तो इट इज़ नो मैच। अब आप लोग बोलेंगे कि फ्लेवर्ड वाली क्या होता है, तो फ्लेवर्ड जो होती है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है ऑल टुगेदर। जो भी आपकी बेस वोडका है उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन वोडका होती है वो ओडरलेस और टेस्टलेस होती है और वो स्मूथ भी होती है। एंड जो पोलैंड और रशियन वोडका होती है उसमें बहुत अरोमास होते हैं और वो भी बहुत फाइन होती है। इसका टेस्टलेस होने की वजह से और ओडरलेस होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन मिक्सिंग विद कॉकटेल्स। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि ब्लडी मैरी, मॉस्को मी और स्क्रू ड्राइवर या फिर वाइट रशियन। ये सबसे फेमस वोडका बेस्ड कॉकटेल्स है। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं कुछ मिथ्स को बस्ट करना चाहूंगी अबाउट वोडका। जैसे कि लोग कहते हैं कि वोडका लेडीज ड्रिंक है और वोडका पीने से इम्पोटेंसी होती है, तो ये दोनों बहुत ही गलत है। सबसे पहली बात है, वोडका जो है सिर्फ एक लेडीज ड्रिंक नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको बोथ मेन एंड वेमेन प्रेफर करते हैं। सेकेंड बात कि इसको पीने से इम्पोटेंसी होती है, वो चीज़ गलत है, क्योंकि किसी भी अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से, मतलब बियॉन्ड अ लिमिट, अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली ईडी होने के चांसेस होते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है। तो ये कहना गलत होगा कि वोडका पीने से इम्पोटेंसी होती है। कोई भी शराब ज़्यादा पीने से इम्पोटेंसी होती है। वोडका के तीन टाइप्स होते हैं मेजरली। सबसे पहला टाइप होता है पोटैटो, सेकेंड होता है फ्रूट, अब जैसे आपने मार्केट में देखा होगा लाइम, रास्पबेरी या फिर ग्रीन एप्पल फ्लेवर। थर्ड होता है ग्रेनी। ग्रेनी का मतलब है या तो उसमें वीट है या उसमें बार्ले है। तो अब हम आ गए हैं हमारी वीडियो के मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट में, जो कि है टेस्टिंग सेक्शन। तो मेरे साथ है आज जय, ही इज गोइंग टू हेल्प मी विद टेस्टिंग एंड ही विल ऑल्सो गिव हिज फीडबैक। सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्मिर्नोफ पे, जो कि एक मेड इन इंडिया वोडका है, और ये जो है ये 10 टाइम्स फिल्टर्ड है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फिल्टर्ड में और डिस्टिल्ड में। फिल्ट्रेशन, जैसे कि आप जानते हो, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, तो इसमें लिखा है कि ये 10 टाइम्स फिल्टर्ड है। और बहुत से लोग इंडिया में, सॉरी टू से दिस, बट इसको स्मिर्नोफ बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी फिल्ट्रेशन क्या होता है, अभी हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। तो जैसे आपको पता है डिस्टिलेशन इज मोर एडवांस दैन फिल्ट्रेशन। इसमें जो भी लिक्विड है उसको कन्वर्ट किया जाता है गैशियस फॉर्म में, जिसकी वजह से इसमें मिक्सिंग भी बहुत अच्छी होती है और ये और ज़्यादा रिफाइन हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं आगे स्मिर्नोफ की, जिसको अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने अपनी जो ड्रिंक है उसको पोर कर लिया है। तो जैसे कि स्मिर्नोफ क्लेम करती है ये दुनिया की नंबर वन वोडका है, तो लेट अस जस्ट ड्रिंक इट एंड फाइंड आउट। चीयर्स। ओके, टेस्टलेस है जैसा कि लिखा है, ओडरलेस है जैसे कि क्लेम्ड है, लेकिन आपके गले में एक बहुत बर्निंग सा सेंसेशन देती है। दैट शोज कि ये बहुत ही हाई इन अल्कोहल है। आई वुडंट कॉल इट स्मूथ, बट ये है कि ये वन ऑफ द चीपेस्ट वोडकास में आती है, और इससे नीचे रेंज वाली वोडका जो है वो किसी को नहीं पीनी चाहिए। आई वुड नेवर प्रिस्क्राइब सच वोडकास टू पीपल। स्मिर्नोफ ने बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम दे रखा है कि ये बहुत स्मूथ है, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपको इसमें 1 टू 10 रेटिंग देनी है तो हाउ मच वुड यू रेट इट? आई वुड रेट इट अ सॉलिड 4। ओके, आई वुड रेट इट अ 5 दो। इसके बाद हम दूसरी ड्रिंक को टेस्ट करते हैं। एब्सोल्यूट वोडका, ये एक स्वीडिश वोडका है, मेड इन स्वीडन है, और इसको इम्पोर्ट किया जाता है एंड देन इंडियन रिटेलर्स इसको बेचते हैं। तो मैंने क्लास में ऑलरेडी
पोर करके रखा है इसको, सो लेट अस जस्ट हैव दिस। ओके, तो अभी मैं इसका रिव्यू देती हूँ। इसमें हल्का सा वेनिला का एसेंस आ रहा है और टेस्ट में बहुत स्मूथ थी ये, और लास्ट में जो है मुझे अपने माउथ में भी थोड़ा सा वेनिला टाइप फ्लेवर आया। हाउ अबाउट यू? मेरे को तो इसमें से एक कोकोनट का आफ्टर टेस्ट आया, ये लास्ट मतलब लास्ट बोर्ड का से काफ़ी स्मूथ थी। हाउ वुड यू रेट इट? आई वुड रेट इट 6/10। आई वुड रेट इट 6.5। प्रीमियम वोडका में हमारे पास है सिरॉक एंड द ग्रे गूस। तो अभी हम बात करते हैं सिरॉक की। ये 5 times डिस्टिल्ड है और ये फ्रांस में बनी हुई है। तो लेट अस जस्ट ट्राई दिस एंड वी विल टेल यू। जैसे कि अभी हमने सिरॉक पिया तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है। कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ पिया है, और कोई भी फ्लेवर नहीं है स्ट्रांग और कोई भी ओडर नहीं है। हल्का सा फ्रूटी टेक्सचर है, वो भी इसलिए हो सकता है क्योंकि ये डिस्टिल हुआ है 5 times इन ग्रेप्स और कॉपर पॉट को यूज़ करके हुआ है। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? I'll say it was a very smooth drink. I liked it better than before. Okay. How do you rate this? I'll rate it 8. Yeah, I'll also rate it an 8. अब हमारे पास है ग्रे गूज। इसकी बॉटल बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गूज की शेप भी बनी हुई है। एंड इसकी खास बात यह है कि ये डिस्टिल्ड एंड बॉटल्ड इन फ्रांस है, और इसका जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें उन्होंने फ्रेंच वीट को यूज़ किया है। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये सस्ती वाली मैजिक मोमेंट्स जैसी दिखती है। हाँ, तो दिखती है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। ओके, एक अजीब सा मस्क मेलन जैसा आफ्टर टेस्ट है इसको पी के, और थोड़ी सी मुझे हैवी लगी है एंड स्मूथ इतनी नहीं है जितना इसमें लिखा हुआ है। व्हाट डू यू से? मेरे को भी ये ज़्यादा स्मूथ नहीं लगी है, इसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो आई विल गिव इट अ 7/10। आई विल गिव इट अ 6.5। ये तो ऐसी बात हो गई कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। सो आउट ऑफ द एंटायर लॉट ऑफ वोडका हमारी क्लियर विनर है सिरॉक। एक तो इसकी बॉटल भी इतनी सुंदर है, डेफिनेटली जब वोडका ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको एज अ वाटर बॉटल यूज़ करने वाली हूँ। सो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर वोडका सीरीज। आई होप यू एंजॉयड इट। इसके बाद हम लोग आएंगे और भी वीडियोस के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी अबाउट जिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ यूनिक लेके आऊँ हर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।